हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सो के उठ गए हैं और जा रहे हैं ब्रश करने के लिए। काफी अच्छा रात में नींद आया और आगे देखे अभी गोल पोस्ट में पहुंचे हुए हैं। जो कल से बैठे हैं ट्रेन में, कल 8:30 बजे तब से लेकर अभी तक एक बार भी हम नहीं उतर पाए हैं स्टेशन में। कुछ सामान खरीदने के लिए भी सामान खरीदना था खाने के लिए, लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि जब भी गाड़ी रुक रहा है तो आगे रुक रहा है और हम लोग पीछे वाले बोगी में हैं तो ये जंगल में पड़ जा रहा है, जिसके कारण हम सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं कुछ खाने के लिए। और रात में काफ़ी मज़ा आया सोने में क्योंकि एसी वाला फर्स्ट बार एसी वाला हम मतलब टिकट लिए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया सोने में क्योंकि कभी एसी में हम सोए नहीं थे। हार्डली से हार्डली पंखा में हम सोए थे, लेकिन कल एसी में सोए, काफ़ी मज़ा आया। और अब कुछ ही देर में मतलब हटिया पहुंचने वाले हैं, 5-10 मिनट में हटिया पहुंच जाएंगे, वहीं पे लेंगे कुछ खाने के लिए क्योंकि भर रास्ता तो हम इंतज़ार करते रहे कि अब स्टेशन में मेन स्टेशन में रोकेगा, लेकिन एक बार भी नहीं रोका है। जब भी रोका है जंगल में पड़ जा रहे हैं, जिसके कारण अभी तक कुछ नहीं खाए फ्रेंड्स। तो हटिया स्टेशन में उतर गए हैं और ऑटो पकड़ के जा रहे हैं आईटीआई बस स्टैंड, वहाँ से डाल्टनगंज के लिए बस पकड़ेंगे और जाएंगे सीधे घर। आ गए हैं अपने राज्य राजधानी में और बहुत ही खुशी हो रहा है कि हम अपने घर जा रहे हैं और कुछ ही देर में मतलब अपने नज़दीकी शहर डाल्टनगंज होते हुए अपने गांव चले जाएंगे। और ऐसे तो हमको 4 दिन ही हुआ है घर से निकले हुए, लेकिन लग रहा है कि बहुत दिन के बाद जा रहे हैं अपने घर। और हमारे पलामू झारखंड के भाई लोग तो साल 2 साल 3 साल बाहर रह लेते हैं अपने घर परिवार माता पिता को छोड़कर, उनके ऊपर क्या बीतता होगा समझ सकते हैं, लेकिन हमारे भाई लोग को मजबूरी है, अगर बाहर नहीं रहेंगे तो घर परिवार चलेगा नहीं। अभी हम भूजा हुआ चना खा रहे हैं और कल का वीडियो में हम वीडियो का एंडिंग नहीं कर पाए क्योंकि घर आते आते हमको 9 बज गया था रात, जिसके कारण हम वीडियो का एंडिंग नहीं कर पाए। रांची से तो हम डाल्टनगंज 6 बजे पहुंच गए थे, लेकिन डाल्टनगंज से फिर हमको घर के लिए जल्दी गाड़ी नहीं मिल रहा था, इसके चलते हमको 9 बज गया था रात। और आए हैं तो देख रहे हैं कि बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है और बहुत सारा सामान है भी नहीं, तो आज तो हम पूरा दुकान को साफ करेंगे और पूरा सामान समेटेंगे। और सबसे पहले अपना बेटा को आप लोग से मिलाते हैं क्योंकि अपने बेटा को मिला आप लोग से बहुत दिन हो गया है। कहाँ गया बाबू? ये देखिए बेटा, हाय कर दो। हाय, अच्छा से करो, हाय अच्छा से करो। तो अपना घर आके बहुत हमको अच्छा लगा, अपना घर परिवार से मिलके अपना घर पर होता है, जो खुशी अपना घर पे है वो खुशी बाहर कितना भी आप घूर लीजिए फिर लीजिए, कितना भी शांति में रह लीजिए, लेकिन घर परिवार के बिना कुछ
अच्छा नहीं लगता। अपना घर परिवार है तो समझिए कि पूरा दुनिया जहाँ है, और नहीं तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो खुशी घर पे मिल जाएगा वो खुशी पूरा दुनिया के किसी कोना में नहीं मिल पा। तो फिर तो हम सब दुकान पूरा साफ करेंगे, झाड़ेंगे। इतना बिखरा हुआ है कि मतलब वाइफ को हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि पापा सुबह जंगल जाते हैं गाय बैल चराने के लिए, और इसलिए उसको पापा के लिए सुबह टाइम पे खाना बनाना होता होगा, फिर बाबू को देखना, और फिर इधर दुकान चलाना, तो भी बेचारी कितना करेगी। पूरा दुकान गंदा है, और मेन बात है कि ऊपर से बहुत गंदा गिरता है धूल गर्दा, क्योंकि मिट्टी का रूम है तो बहुत गंदा होते रहता है। ये फेंकने लायक हो गया शायद, पूरा खराब हो गया। देखिए बिका नहीं तो पूरा खराब हो गया, कम से कम 100-150 का नुकसान हो गया। खैर क्या कर सकते हैं, बिका नहीं तो लो इसको गाय बैल के खिला देना, खराब हो गया पूरा। जाली मकड़ी लगा हुआ है दुनिया के। यहाँ पे सरफ रखते हैं, लेकिन वाइफ डिब्बा डिब्बी इधर रख दी है, यहाँ का सामान यहाँ सब रख रखी हुई है। अब यहाँ पे साफ करके अब सरफ लाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। तो सरफ इसी में रखे हैं, सरफ और तेल में, तो कुछ कुछ सामान इसमें भी रखते हैं, तो यहाँ से ले जाकर उस सरफ जगह पे मतलब रैक में लगा देंगे। और एक टीना तेल भी उधर ले जाएंगे, क्योंकि तेल भी ख़त्म है। सरफ भी होगा तब हमें देखना पड़ेगा। सरफ तो बड़ा वो दिख रहा है, लेकिन हाफ के जी है कि एक के जी है पता नहीं। बस एक के जी वाला है, काम का नहीं है, एक के जी वाला है रैक में। इसमें ये आधा, ये भी एक के जी, तो हाफ के जी सरफ खत्म है। जाके नावा से हमको लाना पड़ेगा हाफ के जी सरफ। तेल ले जा रहे हैं, तेल खत्म है वहां पे बेचने के लिए, इसको काट के भी लगा देंगे। देखिए काटने के लिए क्या बलुआ रखे हैं, टीना को छेदा करने के लिए बलुआ रखे हैं, इसी से काटते हैं, काट रहे हैं। इसको काट दिए, अब भी आएगा तेल लेने, तो बस इसी में से देते हैं। और ये पुराना वाला को कर देते हैं बाहर, क्योंकि इसमें तेल नहीं है, थोड़ा बहुत तेल होगा जो उसमें डाल देंगे। इसको ले जा रहे हैं अंदर, अरे
इसमें हाथ कटने का बहुत डर रहता है, बहुत चुकीला रहता है, क्योंकि कार बाबू का चाहिए कुछ ना, घरे जाके खा पी के मस्त रह चाहिए था। ये नपना था और इसमें थोड़ा सा तेल है, इसमें पलटी मार दे रहे हैं क्योंकि दो दो तीन तीन वो काहे रह गए हैं जगह ताड़ के। ये छनी लगा के इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि लास्ट में हल्का फुल्का मतलब ये गंदा रहता है, कुछ कुछ गिर जाता है और इसीलिए छान देते हैं लास्ट वाला जो बचता है तेल। चुप कर दिए खाली। और थोड़ा सा झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे गंदा है बहुत। इससे ढक देते हैं ताकि तेल में गंदा ना गिरे। इसको ले जाके कर दे रहे हैं बाहर। और आज के लिए इतना ही काफी, और मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।